काबिल एहतराम सूफी जमील साहब हमारे ईस्ट वेस्ट के और सेंट्रल के सेक्टर कमांडर अफ्ताब साहब, ब्रिगेडियर अफ्ताब साहब, और मेरा ख्याल है कि जनरल फयाज साहब ने भी ज्वाइन किया है, सूफी टेकओवर किया है। मैं आपका भी खुश आमदीद चाहूँगा नसीम साहब और हमारे आर्ट्स काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर और आई कम्युनिटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर शफी साहब और प्यारे बच्चों और पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, यहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद हैं ये वो एक्टिविटी है जो आपको पढ़ाई के साथ साथ भी करनी है, और ये पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है कि पेरेंट्स अपना वक्त स्पेयर कर रहे हैं। और ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी ना सिर्फ ज़हनी तौर पर इनको आसूदा करेगी, इनको फाल करेगी, पढ़ाई के लिए भी अच्छा करेगी। तो आपको आप ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? इसलिए करो, लड़ने के लिए कर रहे हो, सन्नाटे में आ रहे हो, आपसे बिना जवाब नहीं मिलता है। ये अपने आप को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं ना, ताकतवर करने के लिए, जहन को ताकतवर करने के लिए कर रहे हैं, ताकि पढ़ाई भी अच्छी करें, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ यहाँ पर हमारे हमारे मुल्क का असासा, हमारे मुल्क की शान, फौज के ऑफिसर्स मौजूद है ना, फौज में कौन कौन जाना जाता है? वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है कि आपको ज़बरदस्त किस्म की पढ़ाई भी करनी है और लड़कियाँ भी आती हैं, और लड़कियाँ एयरफोर्स पायलट भी हैं, तो फौज में जाना है फिर, और उसके लिए पढ़ाई करनी है, अच्छा शहरी बनना है, अच्छा मुसलमान बनना है, अच्छा पाकिस्तानी बनना है। मैं दुआ को हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब लोगों को कामयाबी अता करें। थैंक यू वेरी मच, मिलकर एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।